आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो E3 प्लस की। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले तो हम अपना ये बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंटेंट मिलता है हमें। तो सबसे पहले इनके फीचर्स देखते हैं। 13.9 HD स्क्रीन दे रखी है, पावर रैपिड चार्जर दे रखा है, फिंगरप्रिंट रीडर दे रखा है अनलॉक करने के लिए, कैप्चर के लिए कैमरा दे रखा है 13 MP का, रेयर और रेयर फ्लैश के साथ में बैटरी दे रखी है, डॉल्बी एटमॉस का इसके अंदर सपोर्ट है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए डब्बा खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। नीचे स्पीकर है, माइक है, चार्जिंग पोर्ट है, ये आपके पावर बटन्स हैं, ऑन ऑफ वाले, और वॉल्यूम रोकर है। चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको और बॉक्स के कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या मिले हमें इनके साथ। सबसे पहले हमें मिलता है एक रैपिड चार्जर। अगर आपको इसकी वोल्टेज पढ़नी हो तो आप वीडियो देख के रोक के देख सकते हैं। और इसके साथ में हमें मिलता है एक आपका हैंडसेट चार्जिंग केबल USB वाला और एक ईयरफोन। यहाँ पर आप वीडियो देख रोक के देख सकते हैं कितने एम्पियर के इसके अंदर पावर दे रखा है। ये आपको यूज़र मैनुअल दे रखा है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वैसे हमारे कुछ काम का नहीं। ये भी वही है, एक आपका पेपर वर्क मोटरोला की ब्रांडिंग के साथ में। आप यहाँ पर सार वैल्यू चेक कर सकते हैं, हाइट और बॉडी के लिए कितना दे रखा है। चलिए अनबॉक्स करते हैं, चालू करते हैं फ़ोन को। तो मैं फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। सेट हो चुका है, चलिए देखते हैं खोल के। ये हमने खोल लिया है फोन को। हाँ ये चलिए सेटिंग में चलते हैं। अबाउट द फोन, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन दे रखा है 7.1 नोगट। और इसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर दे रखा है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन नहीं है, इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये 5000 mAh पावर की बैटरी के साथ में आता है।
इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।